उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में रविवार की देर शाम तकरीबन दर्जन भर परिवार के 80 सदस्यों ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में घर वापसी की है। दरअसल रामपुर जनपद निवासी धोबी समाज से दलित वर्ग के दर्जन भर परिवार के लगभग 80 सदस्यों को रविवार की देर शाम बगरा ब्लॉक स्थित योग साधना आश्रम के महाराज यशवीर जी द्वारा गंगा जल से शुद्धिकरण कराकर सभी के गले में जनेऊ धारण कर गायत्री मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ में आहुति डलवाकर इन सभी लोगों की इस्लाम धर्म से हिंदू धर्म में वापसी हुई। मेरा नाम नावेद, अब मेरा नाम प्रेम है। 12 साल पहले हम पे दबिश पड़ी, आजम खां के आदमियों ने दबिश डाली और दबिश के बाद में हम मुसलमान बने और फिर अब हम अपने धर्म में आ गए और उनके दबिश की वजह से हम अपने दोबारा। किसने दबिश गिरवाई थी? उनके आजम के आदमियों ने दबिश गिराई थी। अच्छा, उसके बाद हमारा अपने अपराध करने से आजम खां को क्या फायदा मिलता था? अब देखो, उन्हें पता होगा गरीबों को सताना और गरीबों को बर्बाद करना उनके पता नहीं क्या है। और आज हम हिंदू धर्म में आए, हमें अच्छा लगा और हम हिंदू धर्म में अपने दोबारा रहना चाहते हैं। कितने लोग हो तुम? हम लोग 80 लोग हैं। जैसा उनके साथ हुआ, कहीं ना कहीं उनका पाप का घड़ा भरा है जी, हमें अच्छा लगा और ये उनके साथ हो तो हमें भी खुशी है। महाराज जी के बारे में, अच्छे महाराज जी हमारे, हमें अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। महाराज जी के पास में आने के बाद हमें बहुत सुकून पहुँचा दिल। हमने जो पूजा पाठ करी, हमारे मन को अच्छा भाया कि हम अपने पुराने फिर उसमें अपने हिंदू धर्म में आ गए, अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा। इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी करने वाले रामपुर जनपद के निवासी इन लोगों ने आजम खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि 12 साल पहले आजम खान के द्वारा जबरन हिंदू धर्म से उनका धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम बनवाया गया। आरोप ये भी है जिसके बाद इन लोगों की जमीन जायदाद भी आजम खान के गुरुओं द्वारा हड़प ली गई, जिससे परेशान होकर आज 12 साल बाद इन सभी लोगों ने मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म में घर वापसी की है। इस दौरान इमराना से कविता बनी एक महिला ने बताया कि 12 साल पहले आजम खान के आदमियों ने हमारा धर्म परिवर्तन कराया, उन्होंने हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, हम परेशान थे, आजम खान के दबाव में ही हमारा धर्म परिवर्तन कराया गया और हमें हिंदू से मुसलमान बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने हमारी जमीन भी छीन ली, बहुत लोगों के साथ उन्होंने ऐसा ही किया है। मेरा नाम इमराना और अब मैं हिंदू धर्म में आ गई, मैं बहुत खुश हूं। अब मेरा नाम कविता। कब आपने हिंदू धर्म कर आप मुस्लिम बने थे बताइए? हम 12 साल पहले बने थे। ऐसा क्या हुआ था जो आपको हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम बनना पड़ा था? आजम सामने हमारे साथ कुछ नहीं, उनके आदमियों ने हमें कुछ अच्छाई नहीं दी और हमारे साथ बहुत बुरा जुलम करा, तो इसलिए हम अपने हिंदू धर्म में आके। कितना धर्म परिवर्तन कराया था? आजम खान के आदमियों ने। आजम खान जो मुसलमान ही है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? हम रामपुर के। रामपुर में जो आजम खान नेता है उन्हीं के दबाव में आप बनाए गए? उनकी दबाव में हम बनाए गए थे और उन्होंने ही हमारी जगह जमीन भी सभी उन्होंने छीनी है और आज हम बर्तन काबिल भी नहीं है, बहुत गरीब, इतने तनिया हो गए। अब अपने हिंदू धर्म में आके हम बहुत खुश हो गए, चाहे हमें नवक की रोटी मिल जाए। अब उसका फल उन्हें मिल तो रहा है। हाँ हाँ, इससे हम बहुत खुश हैं। क्या आजम खान पर, आजम खान द्वारा आपके जैसे और भी कुछ लोगों के साथ ऐसे किया है? ना, बहुत के साथ किया उन्होंने भी। वहीं हरजाना से सविता बनी महिला ने बताया कि पहले वो सविता ही थी, लेकिन आजम खान के दबाव में हम मुसलमान बन गए, हमारी जमीन जायदाद भी छीन ली गई, आजम खान की वजह से लाखों लोग परेशान हुए, जबरदस्ती हमें मुसलमान बनाया गया, दुनिया को सताने की वजह से आजम खान जेल गए, अब हम अपने लोगों में आकर बहुत खुश हैं। वहीं इन सब लोगों को धर्म में वापसी कराने वाले यशवीर जी महाराज ने बताया कि आज रामपुर निवासी धोबी समाज से दलित वर्ग के कई परिवारों के 80 सदस्यों की हिंदू धर्म में घर वापसी हुई। इन सभी लोगों पर समाजवादी सरकार में आजम खान के द्वारा अत्याचार किया गया और इन सभी लोगों को लालच देकर डरा धमका कर हिंदू से मुसलमान बनवाया गया और इन सब की आज धर्म अनुसार शुद्धिकरण कराकर घर वापसी हुई। अब तक हम तकरीबन 530 लोगों की हिंदू धर्म में वापसी करवा चुके हैं। देखिए, ये लोग रामपुर के रहने वाले हैं और संख्या में 80 हैं और धोबी जाति और दलित वर्ग के हैं और इनके ऊपर बहुत अत्याचार किए समाजवादी सरकार में आजम खां के द्वारा और आजम खां के गुंडे इन लोगों के बीच में जाते और कहते कि ये मुसलमान बन जाओ। जब ये नहीं बनते थे तो इन पर दबाव डाला जाता था, यातनाएं दी जाती थी। अब गरीब लोग थे बेचारे, डर करके हिंदू से मुसलमान बन गए, लेकिन अब भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में इनका स्वाभिमान जाग रहा है और इनके अंदर एक जागृति आ रही है, तो ये अब आश्रम में आकर के घर वापसी कर रहे हैं और पुनः अपने पुराने हिंदू धर्म में वापस आ रहे हैं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।